पर्यटन नगरी धर्मशाला के चाय के बागानों में पत्तियों की तुड़ाई का कार्य शुरू हो चुका है। चाय उद्योग प्रबंधन ने इस वर्ष 1.55 लाख किलोग्राम चाय उत्पादन का टारगेट तय किया है। हालांकि ठंड और रात के समय तापमान कम होने के चलते चाय के पौधों की पत्तियों के ग्रोथ स्लो हो चुकी है, लेकिन प्रबंधन की माने तो ठंड के साथ हो रही बारिश चाय के लिए फायदेमंद होती है। धर्मशाला से विदेश भेजे जाने वाली चाय में COVID-19 के बाद कमी आई है, जबकि इस बार उद्योग प्रबंधन को पूरी उम्मीद है कि विदेश से भी धर्मशाला चाय की डिमांड में इजाफा होगा। धर्मशाला चाय उद्योग के बागान 65 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। हालांकि 10-15 दिन पहले शुष्क मौसम से चाय उत्पादकों की चिंता बढ़ी थी, लेकिन अब पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश से अच्छा उत्पादन की उम्मीद बंधी हुई है। यही वजह है कि पिछले वर्ष 1.46 लाख किलोग्राम उत्पादन के मुकाबले इस मरतबा 1.55 लाख किलोग्राम चाय उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पिछले एक हफ्ते में हम लोग ने अपनी जो नए सीजन की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी हुई है, तो अभी जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है ग्रीन लीफ, तो अभी थोड़ा कम क्वांटिटी में है, तो हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये साल का सीजन अच्छा होगा, क्योंकि सिंस लास्ट वन वीक वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेन्स, और जो टारगेट है जो इस साल का हम लोग ने रखा दैट इज़ 1,55,000 केजीज and we hope to achieve it. Last year the production was 1,46,000 kgs. जैसे अभी थोड़ी सी ठंड भी पड़ रही है, नाइट टेम्परेचर बहुत कम जा रहा है, उसकी वजह से जो लीफ का ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो गया है, लेकिन हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन, क्योंकि उसके ठंड के साथ साथ हमें रेनफॉल भी मिल रही है। कोविड के बाद विदेशी मार्केट जो हमारा जो मेन मार्केट था वो दैट वॉज यूरोप, और यूरोप में 3-4 कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, तो वहाँ से डिमांड में कोविड के बाद कमी ज़रूर आई है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल वी माइट गेट गुड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। पहले जो लॉट्स के सैंपल्स होते हैं वो हम लोग वहाँ भेजते हैं, तो वहाँ पे वो उसके क्वालिटी पैरामीटर्स और अदर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे रेजिड्यू टेस्ट वगैरह वो लोग करते हैं, उनका अप्रूवल आता है और फिर हम लोग वो दैट पर्टिकुलर लॉट इज डिस्पैच टू दैट कंट्री। हमारे टोटल अबाउट 65 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन है। चाय को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट से भी काफ़ी एफर्ट्स होते हैं, हमारा जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑफिस है पालमपुर में वो भी अपने एफर्ट्स करता है, और इंडिविजुअल लेवल पे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या फैक्ट्रीज हैं या टी गार्डन्स हैं वो भी अपने लेवल पे प्रमोशन करते हैं, जैसे रिटेल सेलिंग में काफ़ी बढ़ावा हुआ है उसकी वजह से, जिसमें रिटेल्स में जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कई फैक्ट्रीज ने अपने रिटेल काउंटर्स खोले हुए हैं जिसकी वजह से रिटेल चाय में काफ़ी अच्छी सेलिंग हो रही है। इस साल हमारे पास लेबर की व्यवस्था ठीक है, क्योंकि हम लोग ने अबाउट 80% ऑफ आवर गार्डन्स आर नाउ मैकेनाइज्ड, तो जितनी हमें लेबर चाहिए हमारे पास इस टाइम सफिशिएंट लेबर है एक अच्छे सीजन की शुरुआत के लिए।